आज हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस का पर्व है। ये वो पर्व, वो त्यौहार, वो खुशी का दिन है जो पूरा राष्ट्र मनाता है। वैसे तो हमारे देश में त्योहारों की भरमार है, हर धर्म के, हर जाति के और अलग अलग रीति रिवाजों के त्यौहार मनाए जाते हैं। दो त्यौहार 15 अगस्त और 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस और गणराज्य दिवस, ऐसे त्यौहार हैं जो देश के हर एक नागरिक को खुशी से भर देते हैं। आज 2019 का स्वतंत्रता दिवस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर राष्ट्र के लिए। न सिर्फ आज देश की स्वतंत्रता को हम याद करते हैं, हम आज उन बेड़ियों को भी झटकोर कर और उनसे आज़ाद होकर याद करते हैं जो हमारे राष्ट्र के जम्मू और कश्मीर में रहने वाले वासियों के पैरों में जकड़ दी गई थी धारा 370 और 35A की तहत। इन दो बेड़ियों की वजह से हमारा राज्य तरक्की नहीं कर पाया। इन दो बेड़ियों की वजह से काफ़ी असमानता रही पुरुषों और स्त्रियों के बीच। हमारी बच्चियां जब रियासत के बाहर शादी करती थी तो अपने अधिकार खो बैठती थी। पूरे देश में जो अच्छी अच्छी स्कीम्स आईं, शिक्षा का अनिवार्य होना बच्चों के लिए, हम उससे वंचित रह गए। इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस को पूरे देश में जो सहूलियत मिली, हमारे राज्य में वो आज तक लागू नहीं हो पाई। इसी प्रकार तकरीबन 40-50 ऐसे फैसले भारत सरकार ने लिए जिनसे हमारी राज्य की सरकार वंचित रही। RTI, करप्शन के अगेंस्ट जांच करना और इन सब चीज़ों के इस रियासत में लागू ना होने की तरह वजह से करप्शन बढ़ गया, क्योंकि कोई उनके ऊपर चेक नहीं था। और बड़ी कुरीतियाँ आ गई समाज में और अंत में हम देश आज़ाद हो गया और हम लोग कुछ परिवारों के गुलाम रह गए, उनसे स्वतंत्रता ना पा सके। एक बड़ा फैसला लेके आज जब हमारे देश ने 370 और 35A को हटा दिया है तो हम न सिर्फ सत्कार सैल्यूटेशंस करते हैं भारत सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को, बल्कि पूरे राष्ट्र को जिन्होंने एक आवाज़ में इस बड़े फैसले का समर्थन किया। हाँ, कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिनका के साम्राज्य शायद बिखर गया इन पूरे देशवासियों के आज़ाद हो जाने के कारण, उनको थोड़ा दुख ज़रूर होगा। मैं समझता हूँ जब वो इस टेम्प्रेरी फैसिलिटी, ये जो आर्टिकल थे इनके हटने से उनका टेम्प्रेरी दुख दूर हो जाएगा तो वो खुद समझ जाएंगे कि ये राष्ट्रहित में है। और जब JNK ज़्यादा तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगी, टूरिज़म बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगा, बच्चों को सहूलियत बढ़ेगी, हमारे राज्य के निवासी आने वाली जनरेशन्स आगे बढ़ेगी, तरक्की करेंगी, तब वो खुद समझ जाएंगे कि ये कितना अहम और बड़ा फैसला था भारत सरकार ने हमारे राज्य के लिए किया। मैं इस फैसला लेने वाले को और राज्य के उन सब लोगों को जो अपने आप को आज मुक्त महसूस करते हैं, हार्दिक
शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ भारत माँ का साया अब हमारे राज्य पर भी उसी तरह पड़ेगा, तिरंगा उसी तरह लहराएगा और हमारा देश कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकजुट होकर एक कंधे से कंधा मिलाकर एक ही स्टेटस के लोग, एक ही तरह के लोग सब भारत माँ के बच्चे कहलाएंगे, भारत माँ के बच्चों की तरह पनपेंगे, तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। सबको शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत, वंदे।